राजधानी में एसीबी की टीम ने सहायक कोषाधिकारी अमित कुमार पारिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी अमित कुमार ने परिवादी से वेतनमान, एरियर बनाने और अन्य पेंशन संबंधी कार्यों के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई और वहीं एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद आरोपी को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। आरोपी ने इस मामले में पहले भी परिवादी से 5,000 रुपए लिए और फिलहाल अब आरोपी से पूछताछ जारी है। ये ऐसा है कि शोकरण जी यादव कनिष्ठ लेखाकार के पद से यहाँ से रिटायर हुए थे, इसी कार्यालय से, पेंशन कार्यालय से रिटायर हुए थे। शोकरण जी यादव दुसाद है वो, जो यहाँ से रिटायर होने के उपरांत अपने ग्रेजुटी पेंशन के जो कागजात थे उनके लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। 2-3 साल उनको हो गए थे, तो इसके लिए उन्होंने ये जो यहाँ पे कनिष्ठ अमित कुमार जी हैं, अमित कुमार जी जो लेखाधिकारी हैं यहाँ पे, कनिष्ठ लेखाधिकारी, उन्होंने 25,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसकी प्रार्थना पत्र परिवादी ने हमारे को प्रार्थना पत्र एसीबी कार्यालय में प्रस्तुत किया, जिसका हमने सत्यापन करवाया। तो सत्यापन के दौरान इनकी बातचीत रिकॉर्डिंग हुई है, बातचीत रिकॉर्डिंग के उपरांत इन्होंने 5,000 रुपये कल प्राप्त कर लिए थे, जो बाकी के 20,000 रुपये थे, तो 10,000 रुपये लेते हुए आज ही रंगे हाथों इनको गिरफ्तार कर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।